सिर्फ एक रात के अंदर आपका रंग दूध से भी ज़्यादा गोरा हो जाएगा। आपके जिस्म, आपके चेहरे, आपके बाजू टांगों पर जितने भी सन टेंट है, जितने भी दाग धब्बे छाइयाँ हैं, तमाम चीज़ें जो है ना आज की रेमेडी से ख़त्म हो जाएंगी। ये आज की रेमेडी ईद स्पेशल है। अगर आप लोग ईद पे बहुत खूबसूरत लगना चाहते हैं, ख़ासतौर पर आपका चेहरा, हाथ पाँव चांदी की तरह चमके, तो आप लोगों ने आज की रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3 दिन का ये चैलेंज है और आप लोग लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हल्दी में सिर्फ एक चीज़ मिलाएं, चेहरा, हाथ, बाजू आपका गोरा, सफ़ेद, चिट्टा, जिस तरह को कहते हैं ना, वो हो जाएगा। अगर आपको सालों से सन टैंट हुआ हुआ है तो सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे, आपके बाजू टांगों पर जितना सन टैंट है ख़त्म हो जाएगा। छाइयाँ हैं या दाग धब्बे हैं, वो तमाम चीज़ों का सिर्फ एक आज की रेमेडी में इलाज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बाज़ार से बहुत महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने से अच्छा है कि सिर्फ आप लोगों ने ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। ये हर चीज़ का इलाज है। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोग जो है ना, ईद आ रही है, ईद से पहले इसको लाजमी ट्राई करें ताकि आपकी ईद को जो है ना चार चांद लग जाए। वैसे भी आजकल जो है ना गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, ये रेमेडी जो है गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपके चेहरे पे, आपके हाथों पर या आपके पाँव पर कहीं भी सन टेंट हो गया है या आपकी रंगत बहुत ज़्यादा काली हो गई है किसी भी वजह से, तो जो है ना आप लोगों ने आज की रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करना है। गोरा काला वैसे कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लोग अपने चेहरे को, अपनी रंगत को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने आज की रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है। पाँव के आप लोग हालात देख सकते हैं कि पाँव पे बिल्कुल केयर नहीं की गई, इस वजह से पाँव के बहुत बुरे हालात हैं। पाँव की एड़ी की ये वाली जगह जो होती है बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है। अगर आप लोगों के घुटने बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, कोनियाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, छाइयाँ आ गई हैं या सन टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कहती हूँ इस एक रेमेडी में हर चीज़ का इलाज है। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि तमाम रेमेडीज़ को पीछे छोड़ देगी। पाँव की कंडीशन आप देख सकते हैं, हाथों पाँव पर आप लोगों को इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, दोनों के लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, ऐसा जबरदस्त रिजल्ट है। सिर्फ 3 दिन का ये चैलेंज है, आपको पहले इस्तेमाल में ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब आप लोगों को ईद पे जो है ना मैनीक्योर, ना पेडीक्योर, ना फेशियल की ज़रूरत है। सिर्फ 3 दिन ये जो है ना रेमेडी आप लोग इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि जो इंसान इसको इस्तेमाल करेगा मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देगा। तो इस रेमेडी की मेन चीज़ जो है वो है हल्दी। हम लोगों ने लेनी है हल्दी, और यहाँ पर हमने हल्दी का इस्तेमाल जो है ना इस तरीके से करना है। हमने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। तवा आप लोगों ने गर्म कर लेना है और तवे के ऊपर जो है ना आपने हल्दी को अच्छे तरीके से पकाना है। फिर बता रही हूँ, इस रेमेडी के अंदर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। हल्दी को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से रेमेडी समझ आ जाए। जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। हल्दी को जो ना आप लोगों ने बिल्कुल भी जलाना नहीं है और बिल्कुल जो है ना कच्चा भी नहीं छोड़ना। आप लोगों ने जो ना इस तरीके से इसको जब ब्राउन हो जाए तब चूल्हा बंद कर देना है। बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, बिल्कुल जलाना नहीं है। यहाँ पर जो ना मेरी हल्दी ब्राउन हो गई है, मैं इसको जो ना निकाल लूँगी। हल्दी का इस्तेमाल हमारे चेहरे की रंगत को गोरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। छाइयाँ ख़त्म करने के लिए जो ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप लोगों के चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे आ गए हैं, छाइयाँ हैं, और वैसे भी अब मौसम गर्मी का आ रहा है तो किसी भी वजह से सन टेंट हो जाए तो आप लोगों ने रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है। इस रेमेडी को औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मर्द हजरात का धूप में काम काज ज़्यादा होता है। इस वजह से ना उनके हाथ पाँव जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है उनमें, चेहरे की रंगत में, हाथों पाँव की रंगत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी को जो है ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया। हल्दी जो है ना यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, जलानी नहीं है हल्दी। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें डलेगी वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है। कॉफ़ी पीने के लिए भी बहुत अच्छी होती है और स्किन के लिए लगाने के लिए भी बहुत बेस्ट होती है। तो आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी जो है ना हमारी स्किन को ब्लैक नहीं करती, वाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, छाइयों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है कॉफ़ी। तो आप लोगों ने जो ना एक चम्मच भर के जो आप लोगों ने इसमें कॉफ़ी का डालना है। नेक्स्ट चीज़ जो इस रेमेडी में डलेगी वो है बेसन। आज की रेमेडी की हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बेसन जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन आप लोगों ने चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा फ़ायदा हो। आज की रेमेडी में कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है कि आपकी स्किन को डैमेज करे। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो भी इस रेमेडी को लगा सकता है, यह आप लोगों को बिल्कुल भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। तो यहाँ पर जो ना मैंने 2 चम्मच भर के जो है ना इसमें बेसन में डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने जो है ये हाथों और पाँव दोनों के लिए बनाना था। अगर आप लोगों ने चेहरे के लिए बनाना है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते
सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें डालनी है एलोवेरा जेल, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास है तो फिर आप लोगों ने मस्ट इसको लाजमी डालना है। एलोवेरा जेल जो है ना घर में लगाया करें क्योंकि हमारे बेशुमार कामों में आती है, नहीं घर में हो तो बाज़ार से एक बार लेके रख लें। आज की रेमेडी के तमाम इंग्रेडिएंट जो है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं क्योंकि हमारी स्किन के लिए, हमारे हाथों पाँव के लिए तमाम चीज़ें जो हैं बहुत मुफीद हैं। फिर आप लोगों ने इसमें लास्ट चीज़ जो डालनी है वो है लीमू। लीमू आप लोगों ने इसमें लाजमी डालना है, एलोवेरा नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने डालना है कच्चा दूध, पानी से आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं घोलना। आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर अरके गुलाब का इस्तेमाल करना है या आप लोगों ने कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है, उबला हुआ दूध आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ों को जो है आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की रेमेडी में तमाम स्पेशल चीज़ें जो हमारी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल होती हैं वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके आज की रेमेडी तैयार की गई है। हल्दी, कॉफ़ी, बेसन और नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोगों ने जो है ना इस तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आप लोगों को तमाम तफसील बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है और कितने टाइम इस्तेमाल करना है। ईद से पहले पहले मेरी आप लोगों से गारंटी है कि आप लोगों का चेहरा, हाथ पाँव जो है ना चांदी की तरह चमकेंगे और तमाम जो रिश्तेदार हैं ना आपसे एक बार लाजमी पूछेंगे कि तुमने कहाँ से फेशियल कराया है, और आपने बताना है कि मैंने ज़ीरो कॉस्ट फेशियल करवाया है, वो भी घर में जिसमें मेरा एक रुपया भी नहीं लगा और मुझे जो है ना पार्लर से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आज की रेमेडी तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी और बच्चियां भी जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं है कि आप लोगों की स्किन को डैमेज करेगी, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप लोगों को अपने हाथों पर भी लगा के दिखाऊंगी, अपने पाँव पर भी आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। इस रेमेडी को आप अपने चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी जो है जिसको आप गोरा करना चाहते हैं या किसी वजह से उस पर दाग धब्बे आ गए हैं या दाने निकले हुए हैं तो आप ये रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करें। जितने भी दानों के दाग होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी रंगत जो है ना वो चांदी की तरह चमकेगी। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेमेडी की जो है ना एक थिक सी लेयर अपनी स्किन के ऊपर लगा लेनी है, मतलब आप हाथों पर लगा रहे हैं, चेहरे पर लगा रहे हैं, जहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों के वैसे मेरा मशवरा है कि आप अपने चेहरे, हाथों, पांव तीनों जगह पर इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों पे भी आप लोगों को अप्लाई करके दिखाया है। पहले वाला पांव आप लोगों ने मेरा गौर से देख लेना है, उसके बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा जो है ना बेहतर रिजल्ट मिला है। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहना कि आपके पाँव तो ऑलरेडी गोरे थे, पाँव गोरे तो थे लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पाँव पे कितना ज़्यादा सन टेंट हुआ हुआ था और एड़ी के पास वाली जगह जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, तो उसको भी आज की रेमेडी की मदद से जो है ना हम बिल्कुल A1 कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को जो है ना आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। 5 से 8 मिनट के अंदर जो है ना बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। वैसे भी अब गर्मी का मौसम है तो आप लोगों ने जो है ना पंखे के नीचे बैठ जाना है और बहुत जल्दी जो है ये ड्राई हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन का ये चैलेंज है, आप लोगों को बता रही हूँ कि 3 दिन आप लोग उसको लगातार इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे रिज़ल्ट देख के। आप लोग पहली बार ही इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को जो है ना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से इसको खुश कर लेना है, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश करना है। यहाँ पे जो है ना ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, आप लोगों को थोड़ा सा रगड़ के भी उतार के दिखाऊंगी। अगर आप लोग इस तरीके से रगड़ के उतारेंगे ना तो इससे आपके हेयर भी साथ साथ रिमूव होंगे काफ़ी हद तक। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो आप जो है ना इस तरीके से इसको रगड़ के उतार सकते हैं। मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो जब भी मैं हल्का सा रब करती हूँ तो साथ साथ जो है ना रेड होने लग जाती है। पाँव पे भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, पहले वाला पाँव और जहाँ जहाँ से मैं इसको हल्का सा उतार रही हूँ आप लोगों के सामने है कि बिल्कुल वाज़ेह रिज़ल्ट है। खुदा रहा एक बार लाजमी ट्राई कर लेना, उसके बाद कमेंट्स करना। आज की रेमेडी जो है ना मेरी अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें हर चीज़ का हल है। तो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है, अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों को लाइव रिज़ल्ट मैं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो एक बार तो मेरे कहने पर लाजमी इस्तेमाल करना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अब जहाँ जहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ आप मेरी स्किन देखेंगे कितनी ज़्यादा क्लियर निकल रही है, पहले वाले मेरे पाँव में और अब वाले पाँव में जो है ना कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। अब आप लोगों ने जो है ना इसको नॉर्मल पानी के साथ बहुत अच्छे से तरीके से हो लेना है। आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। ईद आ रही है, आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें। बहुत ज़्यादा सन टैन था मेरे पाँव में, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट, लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है वीडियो को मैंने कट किया हो, आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा सन टेंट हुआ होता है, बिल्कुल रिमूव हो गया है सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। अगर आप लोगों को फिर भी बेहतर रिजल्ट ना मिले तो सिर्फ 3 दिन का ये चैलेंज है, 3 दिन आप लोगों ने इसको लगातार इस्तेमाल करना है। अभी इस्तेमाल कर लें, एक बार जो है ना ईद से पहले आप लोग इस्तेमाल कर लें।
तो आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरे हाथों का, मेरे पाँव का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि इस रेमेडी में जो ना हर चीज़ का इलाज है। कि अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, सन टेंट हो गया है, या कील मुहासे हैं, अगर चेहरे पे बाल हैं, या कोई भी वजह से जो है ना आपके चेहरे पर निशान पड़ गए हैं, तो आप लोगों ने रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करना है। 99% जो है ना मेरा सन टेंट ख़त्म हो गया है। 3 दिन का ये चैलेंज है, आप लोगों ने लाजमी इसको इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की रेमेडी मेरी पर्सनल बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।